वहाँ से ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लोप स्टार्ट हो गया है और यहाँ से ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाती है और जो पहला स्टेशन आएगा सिर्फ वो अंडरग्राउंड है। देख सकते हो बाहर में तो कुछ दिखेगा नहीं, आ चुका है और यहाँ से हम लोग BKC जाएंगे वापस। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एकदम नीट एंड क्लीन है मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से अभी हम लोग BKC जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फुल टाइम ट्रेवलर। और आज हम लोग आए हैं मुंबई के न्यूली इनोग्रेटेड मेट्रो लाइन एक्वा लाइन, जो कि पिछले महीने का उद्घाटन हुआ है। और ये मेट्रो लाइन फुल्ली अंडरग्राउंड है। अभी जिस मेट्रो स्टेशन में हूँ मैं, RA JVLR, ये सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन है जो कि अबव ग्राउंड है, बाकी सारे स्टेशन इसके अंडरग्राउंड है, जो कि आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको सारे एमिनिटीज़ अंदर के बताऊंगा मैं और सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो ये मेट्रो लाइन अभी 12 किलोमीटर का फेज़ जो कि स्टार्ट हुआ है, आरए से और BKC बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये JVLR स्टेशन जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा काम अभी हुआ नहीं है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे BKC। मेरे साथ समीर है और शाहनवाज भी है। तो हम लोग अंदर का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा मुंबई का न्यूली इनोग्रेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो। और लाइक करो वीडियो को और शेयर करो यार। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये है आरे का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आपको JVLR पूरा दिखेगा। ये JVLR रहा और यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ से आप आके अंदर मेट्रो स्टेशन पे जा सकते हो। तो अभी यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे और टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर का सारा चीज़ एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा मैं। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे BKC का। तो यहाँ से फ़िलहाल BKC का टिकट लेते हैं। सर 3 BKC कर दीजिएगा, 3 BKC। तो आप देख सकते हो यहाँ से टिकट लेना है। तो कुछ इस तरह का टिकट है। सॉरी गाइस, फॉर सम सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे चेक इन के टाइम कैमरा अलाउड नहीं है, तो सिक्योरिटी वालों ने हमें रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। अभी जो इधर से JVLR से BKC के लिए मेट्रो जाएगी वो अभी आ रही है प्लेटफॉर्म में और हम लोग यहाँ से अभी ऑनबोर्ड करेंगे। ये ट्रेन एंटर कर चुकी है प्लेटफॉर्म में, ज़्यादा वेट टाइम नहीं है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अच्छा ही है, 7-8 मिनट में ट्रेन आ जाती है तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन आ चुकी है और काफ़ी परफेक्ट अलाइनमेंट भी है, डोर्स का काफ़ी परफेक्ट अलाइनमेंट है, एकदम पॉइंट पे आके रुका है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कैसा है। तो अभी अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये 8 कोच का ट्रेन होता है। अभी नया है तो काफ़ी क्लीन है, आप देख सकते हो ये सीट्स हैं। अभी तो बहुत ही खाली है क्योंकि अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो काफ़ी खाली ही रहता है, ज़्यादा लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे। सो फाइनली अभी स्टार्ट हो चुका है यहाँ से और ये जो आ रहे हैं ये अबव ग्राउंड है। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेशन है सीप्ज, वहाँ से ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का,
काफ़ी इनिशियल पिकअप है, काफ़ी जल्दी पिकअप पकड़ लेता है और इसकी एवरेज स्पीड 30-40 है और मैक्सिमम 85 तक जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है यहाँ से आधे से BKC पहुँचने के लिए, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स लगने वाले हैं। और अभी हम लोग अंडरग्राउंड होने वाले हैं, ये जो आरे से निकलता है ये एबव ग्राउंड है और अभी थोड़ी देर में ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अभी ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये स्लोप स्टार्ट हो गया है और यहाँ से ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाती है और जो पहला स्टेशन आएगा वो अंडरग्राउंड है, देख सकते हो बाहर में तो कुछ दिखेगा नहीं। तो हम लोग अभी अंडरग्राउंड हैं और जो फर्स्ट स्टेशन आने वाला है सिप्ट, वहाँ से ये मेट्रो लाइन एकदम फुल्ली अंडरग्राउंड है BKC तक। ये अपना पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आ चुका है सिप्ट, आप देख सकते हो ये मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है सिप्ट। आपको मैं दिखाता हूँ बाहर से, ये पहला मुंबई मेट्रो का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन सिप्ट। तो अभी हम लोग MIDC अंधेरी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पूरा मैपिंग है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ JBLR से स्टार्ट होके अभी हम लोग यहाँ बांद्रा BKC तक जाएंगे। उसके आगे का फेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जो कि लास्ट कफरेड तक जाएगा और यहाँ पे लाइव स्टेटस भी बताता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, तो पैसेंजर्स को कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे सारा चीज़ शो किया जा रहा है। एक यहाँ ऊपर पे मिनी LED भी लगा हुआ है जिसके अंडरग्राउंड मेट्रो का 3D एनिमेशन चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मैं दिखाता हूँ आपको, बाकी सारी चीज़ें और जो पहले की मेट्रो लाइंस मुंबई के हैं और सारी चीज़ें सेम ही हैं, अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं है। बाकी के जो मेट्रो लाइंस हैं उसके कंपैरिजन में सारे चीज़ें सेम ही हैं, तो अंदर में कुछ भी अलग नहीं है। अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो है Terminal 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं Terminal 2 पहुंच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का Terminal 2। काफ़ी बड़ा मेट्रो स्टेशन है ये और अभी हम लोग यहाँ से उतरे हैं, उसके बाद यहाँ से दूसरा ट्रेन लेके फिर वापस BKC जाएंगे। इसके बाद Terminal 1 का भी मेट्रो स्टेशन है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे ये सारे स्टेशंस हैं वैसे ही ये Terminal 2 भी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हम लोग यहाँ से जाने के लिए दूसरे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो अभी हमारा ट्रेन आ चुका है और यहाँ से हम लोग BKC जाएंगे वापस। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एकदम नीट एंड क्लीन है मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ से अभी हम लोग BKC जाएंगे और अलाइनमेंट काफ़ी एक्यूरेट है, आप देख सकते हो एकदम सेंटर में अलाइनमेंट हो रहा है गेट आके। तो यहाँ से हम लोग BKC जाएंगे और BKC से फिर वापस जाएंगे। तो फाइनली हम लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं यहाँ से Terminal 2 से BKC के लिए, और यहाँ से Terminal 2 से BKC जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये मेट्रो का काफ़ी अच्छा बना है और काफ़ी स्पेसियस है। सारी मेट्रो ट्रेन जो और भी लाइनें हैं मेट्रो की मुंबई में, कोचेस सारे सेम हैं, एमिनिटीज सारे सेम हैं। सो अभी हम लोग बांद्रा कॉलोनी मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ के बाद जो स्टेशन आने वाला है वो है BKC जो कि लास्ट स्टेशन होगा और वहाँ पे हम लोग उतरेंगे।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं के लास्ट डेस्टिनेशन स्टेशन पे, बीकेसी स्टेशन पे, जो कि ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है। अभी इसके आगे चालू नहीं हुआ है, इसके आगे अभी कफ परेड तक स्टार्ट होने वाला है। फाइनली हम लोग लास्ट स्टेशन बीकेसी में पहुंच चुके हैं और यहां से अब ऊपर जाएं। फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न बहुत जगह मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया रिकॉर्डिंग करने से। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो ब्लॉग को और कमेंट करके बताओ कैसा है ये मुंबई का न्यूली इनोग्रेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, कमेंट करके बताओ। और अगर आप लोग पहले ये मेट्रो लाइन पे ट्रेवल कर चुके हैं तो ये भी कमेंट करके बताओ। तो फिलहाल अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं घर। शानवाज कैसा लगा? एक नंबर। समीर, मज़ा आया मेट्रो में? नए मेट्रो में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये वाले मेट्रो का, ये जो मेट्रो है। आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया ना। ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। हाँ भाई, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा है ये मुंबई का नया मेट्रो लाइन, एक्वा लाइन, जो कि एक्वा लाइन से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और मेरे इकरामुल हक को, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय गाइस।